वो जल्द एक खुशखबरी शेयर करनी है, और वो खुशखबरी यकीन करें कि मैं कहती हूँ मुझे समझ नहीं लगती कि मैं आप लोगों से कैसे शेयर करूँ, लेकिन मैंने आप लोगों से करनी है क्योंकि आप मेरी YouTube फैमिली है। ये देखें जी, कितना मज़ेदार और लजीज किस्म का जो सैंडविच है ना, वो ये ना बारिश की होने की आवाज़ आ रही है, अभी दरवाज़ा खोला है ना तो ये देखें बारिश हो गई है, और अभी जो है ना अभी आसमान भी साफ हो रहा है और बारिश भी बंद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह करे आप सब लोग खैर खैरियत से हों, कोई दुख तकलीफ गम परेशानी आप किसी के करीब ना आए, आमीन सुमामीन। तो जी अभी आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और ठंडी ठंडी और बड़ी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है, क्योंकि ना आज इधर सुबह सुबह बारिश हो भी गई है। मैं जब उठी हूँ ना तो मैंने इस तरह से देखा, यहाँ पे सड़कें गीली थी और अभी ऐसे हवा चल रही है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है, परिंदे बैठे हुए हैं सामने। तो बारिश भी जो है ना बस थोड़ी सी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया है। तो अभी बच्चों को मैं नाश्ता बना कर देकर आई थी, और अभी यार उनसे मैं कह रही थी कि आज बारिश हो गई है तो छुट्टी कर लो, उन्होंने कहा नहीं मामा हमने छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस चल रही है ना। तो ये देखें जी, बिया हरीम कर रही है नाश्ता, और अभी टाइम हो रहा है जी 7:05 का। अभी बच्चों को मैंने बना के दिया नाश्ता, हरीम अचार खा रही है। हरीम अचार खा रही हो? अगर गला खराब हुआ तो। और साथ हरीम ने कैंची रखी हुई है, कैंची भी खानी है। मामा हाँ जी हाँ, कैंची की लादती। दुनिया में जाना है। अच्छा, और जी बस अभी जो है ना मैं इनके लिए इनका लंच बॉक्स भी रेडी करने लगी हूँ। आज ना मैं बहुत ही यूनिक किस्म का सैंडविच बनाने लगी हूँ जो बच्चों को ना बहुत पसंद आता है। तो इस सैंडविच का नाम है जी चिप्स वाला सैंडविच, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं जाना, इस सैंडविच की पूरी रेसिपी देखनी, और अपने बच्चों को भी लाजमी बनाकर देना ये वाला सैंडविच। बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और खुशी से खाएंगे। चिप्स वाला सैंडविच बनाने के लिए ना हमें एक पैन चाहिए, और इसके अंदर ना हमने थोड़ा सा ऑयल डाल देना। अच्छा, इसके बाद ना आपने इस तरह से आलू को चिप्स की शेप में काट लेना है, ना तो ज्यादा मोटा काटना है और ना ही बारीक काटना है। तो हमने ना यहाँ पे चिप्स के ये स्लाइस किए हैं ना, ये रखना शुरू कर लिया। अच्छा, अब ना हमने ये आलू को ना थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि आलू जो है ना वो कच्चे ना रह जाएं सैंडविच के अंदर। तो अब इसको ना थोड़ा सा हमने कर लिया फ्राई, और हल्की आंच कर दी है। अब इसको थोड़ा सा ना हमने कवर करके रख देना, ताकि आलू जो है ना थोड़ा सा गल जाए दम में। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि अंडा लेना है, अंडे को तोड़ लेना है, और उसके बाद अंडे में जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने अंडे में डालना है थोड़ा सा नमक डाल देना है, जितना भी आप लेना पसंद करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे जाएंगी मिर्चें, जितनी भी मिर्चें आपके बच्चे लेना पसंद करते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डाल लेनी है। और यहाँ पे थोड़ी सी जाएगी यहाँ पे काली मिर्च, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है ऑमलेट में। और अब जो है ना इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अपनी चिप्स को भी देख लेते हैं कि चिप्स जो है ना वो कहाँ तक पहुँची है, इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं तो ये देखें ये ना ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कि ये जो चिप्स है ना ये रेडी है। अब चिप्स को ना हमने तरतीब से करना है सेट, इस तरह से सेट कर लेते हैं लाइन वाइज, इनको खड़ा कर देना। अच्छा, इसके बाद हमने वो अंडा डाल देना जिसके अंदर ना हमने नमक मिर्चें डाली थी, वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। बच्चों को इसके अंदर चिप्स भी खाने को मिल जाती है, और जो है ना बच्चे खुश हो जाते हैं। अब अंडे को ना इस तरह से साइड से हमने कर लेना है फोल्ड, ये इस तरह से कर लिया फोल्ड अब हमने, और अब इधर से भी फोल्ड कर लेंगे, और चारों साइडों से हम कर लेंगे इसको फोल्ड। ये चारों साइडों से हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद इसको एक दफा टर्न कर लेंगे जी। अब इसको हम कर लेंगे टर्न, और यहाँ पे देखें जी हरीम खड़ी होके देख रही है और कह रही है वाह मामा आज तो आपने कमाल कर दिया है ना, खा कर भी आना पूरा, ठीक है। अच्छा, इसको ये पूरी तरह से पक चुका है, इसको अब हमने ना प्लेट में निकाल लेना है, और अब हमने अपना सैंडविच रेडी करना है। तो सैंडविच रेडी करने के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगी। अच्छा, मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना थोड़ी सी ना बंद गोभी को भी क्रश कर लिया जाए, तो उसके बाद जो है ना मैं सैंडविच बनाना शुरू करूँगी, इतनी काफ़ी रहेगी। चलें जी, अब सबसे पहले ना हमने ब्रेड के एक पीस पे लगानी है मायो, हमने लगानी है केचप,
चम्मच से चारों तरफ फैला देना। जो केचप वाला पीस होगा ना उसके ऊपर हमने अपना चिप्स वाला ऑमलेट डालना है। ये देखें जी, ये रख दिया और इसके ऊपर थोड़ी सी बन को भी डाल देनी है ताकि बच्चों को जो है ना बहुत हेल्दी सा सैंडविच हम बना कर दें। ये देखें जी कितना मज़ेदार और लजीज किस्म का जो सैंडविच है ना वो रेडी हो गया। अब इसको रखते हैं रीम के लंच बॉक्स में। ये देखें जी, और साथ थोड़ी सी यहाँ पर बन गोभी डाल देते हैं, ये जो बच गई थी। तो जी ये रेडी हो गया हरीम का लंच बॉक्स और अब हरीम को देते हैं। और वो सामने आयजा भी उठ गई है। अस्सलाम वालेकुम, आज अब सुबह सुबह उठ गए हो। बारिश आई है ना तो अभी यह कह रही है मैंने स्कूल जाना है और हरीम का जो मूड है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है नहीं जाने वाला है ना, जाना है। चलो चलो जल्दी से, 7:45 हो गए हैं। और अभी आयजा को मैंने भेजा है उसकी पुप्पो के पास, वो पुप्पो के पास सोने के लिए चली गई है और अब हम लोग निकलते हैं स्कूल की तरफ। अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल और आज बारिश हुई है और ये देखें ये रोड देखें कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कालीन बिछा दिया हो पत्तों का ना। मुझे इस तरह की सड़कें इतनी प्यारी लगती हैं ना, चलने का भी बहुत मज़ा आता है इसके ऊपर। अच्छा बच्चों को छोड़ के मैं घर आई हूँ, घर आके मैंने नाश्ता किया फिर सारे कामकाज किए और इतने में ये जो मेरा छोटा सा मुन्ना है ये उठ गया है। 1:15 होने वाला है, 1:30 बजे बच्चों को छुट्टी होगी। और साथ साथ मैंने खाना भी पकने रख दिया था। खाने में मैंने आज साग निकाला है और साथ मैंने बना लिया है वाइट चावल। और बस अभी थोड़ी देर तक बच्चों को लेकर आऊंगी, फिर नमाज पढ़ूंगी और उसके बाद जो है ना बाकी जो भी काम काज है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा जी बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और बच्चों को मैंने ना ये स्ट्रॉबेरी शेक बना कर दिया है, अभी है ये लो। और अभी इसके बाद मैं दूंगी इनको खाना, फिर कारी साहब आ जाएंगे, फिर ये ट्यूशन चली जाएंगी। अच्छा जी अभी मैं आयजा को बना के देने लगी हूँ नूडल्स, आयजा को रबीहा को। और मैंने ना बहुत जल्द आप लोगों से एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करनी है। तो अल्लाह पाक ने मुझे ये दिन दिखाया है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है और खुशखबरी जो है ना वो बहुत बड़ी है। तो इनशाला बहुत जल्द आपके साथ खुशखबरी भी शेयर करूंगी, वो क्या खुशखबरी है। तो आज के व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा करें। और आप लोगों ने ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है गेस करके कि वो खुशखबरी क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करें शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।